स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर आ चुकी है सभी मकान बनाने वाले लोगों के लिए जो अब मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी मकान बना लिया है उनके लिए भी एक जानकारी बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है आज की तारीख का और आज की ताजा खबर है। मुख्य समाचार के तहत आपको ये अपडेट दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आपका प्यार दर्शा दीजिए यहाँ पे। और साथ ही दोस्तों आप किस राज्य में रहते हैं कमेंट में जरूर ये बताने का कष्ट करें, ताकि आप लोगों के राज्य की भी ताजा और बड़ी खबरें, नए नियम, सरकारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके मोबाइल पर बड़ी ही काम की जानकारियां होती है, उन्हें बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आज का लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस है, टुडे न्यूज ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज की बड़ी खबर, और यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं चेतावनी, और ये जो चेतावनी है वो दोस्तों हमें वास्तव में जानना बेहद जरूरी है। और जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं और आप सभी को मालूम है छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों में कितने बड़े घोटाले या फिर यूं कहे कि बदमाशियां, स्कैम, हैकिंग, लोगों को बेवकूफ बनाने की तरकीबें होती रहती है। आइटम हम बाजार से खरीदते हैं, डुप्लीकेट आइटम मिलते हैं, और ऐसे में अगर हम गलती से पूरा पैसा देकर खराब चीज या डुप्लीकेट आइटम खरीद लेंगे तो कैसा रहेगा। स्क्रीन पर आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा सरिया का, और मकान बनाने या दुकान बनाने या फिर ऑफिस कोई भी अगर हमें निर्माण का कार्य कराना है और वहाँ पे अगर सरिये का नाम नहीं आता तो शायद कुछ अटपटा लगता है। खैर, अब ये सरिये का नाम यहाँ पे आ ही चुका है तो सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है। घटिया गुणवत्ता वाले सरिये के इस्तेमाल की वजह से मकान, पुल और अन्य ढांचागत संरचनाओं के खतरे में होने की एक रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट में रुको अभी पूरी बात सुनो, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय सक्रिय हो गया है। जी हाँ, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि ये जो सरिये है ना दोस्तों, ये घटिया क्वालिटी के मार्केट में बिक रहे हैं। और ऐसे घटिया सरिये अपन अपने मकान में, दुकान में, ऑफिस में डाल के अपनी जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं, आप खुद इसको देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात ऐसे दोस्तों, क्योंकि हम पैसा पूरा देते हैं और ओरिजिनल चीज का पैसा देने के बाद ये घटिया सामग्री अगर हमें मिलती है तो फिर हम अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं। तो अब यहाँ पे सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है इस रिपोर्ट के आने के बाद, ये देख सकते हैं आप। अमर उजाला ने एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लगाया है, और इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण इस्पात मुहैया कराने के उद्देश्य से कुछ साल पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया था। इसके बाद भी कुछ निर्माता घटिया गुणवत्ता का सरिया या इस्पात के अन्य उत्पाद बना रहे हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ये गंभीर मामला है। और उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ मिलकर एक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, और इस दौरान जो लोग ऐसे घटिया गुणवत्ता वाले सरिये या उत्पाद बना रहे हैं उनको जेल तक की सजा दिलाई जाएगी, ऐसा प्रावधान यहाँ पे बनाया जा रहा है। औचक निरीक्षण देश में किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे देश भर में सेकेंडरी स्टील बनाने वाली इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा, ताकि वहाँ पे बन रहे उत्पादों के बारे में सरकार को पता चल सके। और दोस्तों आगे यहाँ पे देखो बड़ा अपडेट यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ। थिंक टैंक का कहना है कि घटिया सरिया बनाने में कंपनियां BIS की गाइडलाइन का यहाँ पे कोई भी पालन नहीं करती है। सरिये के निर्माण में कई प्रकार की रासायनिक अशुद्धियां शामिल होती है, और ऐसे में जब हम इन्हें मकान में यूज लेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। दोस्तों ज्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में ये हमारी सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अभी अपडेट चल रहा है, उम्मीद आपको अलर्ट और जानकारी मिल गई होगी। और हाँ, अगर आप भी इस तरह से सरिया खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दुकान वालों के साथ एश्योर हो जाएं और अपना सैंपल उनको बोल दें कि भाई मैं इसको कहीं पे भी चेक करा सकता हूँ, अगर ये घटिया या डुप्लीकेट क्वालिटी का निकला तो फिर आप देख लो इसका क्या होगा। तो यही हाजिर अपडेट है अभी फिलहाल के लिए, उम्मीद है आपको अलर्ट और जानकारी मिल गई होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिंदगी में अपना एक शेयर का बटन दबाकर आप किसी नहीं बहुत ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। एक नई न्यूज रिपोर्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।